Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic urbanization. देखिए urbanization का simple words में meaning समझेंगे. जब देखिए industries setup होती हैं किसी भी country में, right? तो वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि क्या होता है, जो industries के आसपास का area होता है वो urbanize हो जाता है. यानी कि लोग जो हैं वहाँ पर शिफ्ट होने लग जाते हैं, गांवों से शहरों की तरफ, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ. दैट इज़ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बेसिकली सेटअप है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. व्हाई? इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, इन सर्च ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, राइट? और इसी को बोला जाता है अर्बनाइजेशन, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं, राइट? जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ऐसा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो रहा है, राइट? अगर आप दिल्ली की आबादी देखोगे आसपास के एरिया से, तो ये बहुत ज़्यादा है. एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा सिस्टम है, राइट? तो जनरली रूरल एरिया से लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, एंड दिस इज़ ओनली कॉल्ड अर्बनाइजेशन. देखिए ये एक सर्च है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होता है, लोगों की ग्रोथ होती है, कंट्री की भी ओवरऑल ग्रोथ होती है. ये खतरा बस तभी बनता है कि जब एकदम से देखिए लाइक एक एरिया में या तो बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं, जैसे कि दिल्ली में अभी हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक क्योस है थोड़ा सा, राइट? मतलब यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि उसको स्टेबिलिटी में लाया जाए. मतलब जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में अवेलेबल है वो और कहीं पे भी अवेलेबल कराई जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, दिल्ली बिल्कुल भर जाएगी. आप देखोगे इतना ट्रैफिक होता है, हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लंबी लाइन होती हैं, राइट? तो इस तरह से जो है वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, राइट? तो पॉपुलेशन का इस तरीके से मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि एक जगह पे पॉपुलेशन विस्फोट हो जाए, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट, दूसरा इसका देखिए नुकसान ये होता है कि जब एक कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही हो, राइट, तो वहाँ पे ये खतरा बन जाता है कि भाई सिटीज़ में तो वहाँ फिर विस्फोट होना ही होना है. इंडिया के अंदर जनरली यही हो रहा है. हम सेकंड यहाँ पे लार्जेस्ट हैं पॉपुलेशन में चाइना के बाद, बल्कि हमारा लैंड मास देखा जाए, जितना एरिया इंडिया का है उसको देखा जाए, तो इतनी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए. एक्सट्रीम लेवल पॉपुलेशन हमारे देश की है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए, अदरवाइज़ अभी देखिए ये वैसे ही चीज़ें महंगी हो रही हैं एंड उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की भी इवन, तो आने वाले समय में ये और नीचे जाएगा अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही, ठीक है? तब अर्बनाइजेशन को जो है खतरा होता है, वरना तब तक अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. वो मतलब एक डाउनफॉल की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो डेवलपमेंट की तरफ ही लेकर जाएगा, राइट? सो अर्बनाइजेशन बेसिकली फास्ट हुआ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से. जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ फास्ट होगी, अर्बनाइजेशन भी उतना ही रैपिड होगा. ओके, अब आते हैं इसके कुछ डेफिनेशंस पे. फर्स्ट डेफिनेशन है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज. जब अर्बन एरियाज में टोटल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जैसा हमारी कंट्री में दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में हो रहा है, उसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं. द मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन, दैट इज सिटीज एंड टाउन्स टू, इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन इंक्रीजेज, राइट? जिससे क्या होगा, सिटीज और टाउन्स में इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, राइट? एक मास मोमेंट है, ऐसा नहीं है दो चार लोग आ रहे हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं. जैसे कि दिल्ली में आप देखोगे तो मिक्स लोग आपको मिलेंगे, राइट? कुछ लोग यहाँ पे देखिए हरियाणा से भी होंगे, कुछ लोग कोलकाता से, ये वेस्ट बंगाल से होंगे, असम से होंगे, मेघालय से होंगे,
कमिंग टू नॉर्थ इंडिया की साइड से होंगे, कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन. आपको हर तरह से, हर देश का, हर डाइवर्स इंसान जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही बात है, इंडस्ट्री सेटअप है, एमएनसीज है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है एंड सो ऑन. सो अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन में रीड कर रही हूँ. अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी वेयर बाय रूरल इकोनॉमी ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड टू एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. राइट, रूरल इकोनॉमी किससे ट्रांसफॉर्म हो जाती है? एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से. आप देखेंगे तो देखिए, खेती में बहुत मेहनत है, राइट, हार्ड वर्क है. बेसिकली रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर खेती ही है, उसमें बहुत हार्ड वर्क है और उतना मुनाफा नहीं है, राइट. अब किसान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी जो है वो खेती बाड़ी करे, वो चाहता है कि ये सेटल हो, जॉब करे, अपना बिजनेस करे कुछ और, क्योंकि उसने वो हार्डशिप देखी है जो वो फील्ड पे करता है, खेतों में करता है. और अगर फसल ख़राब हो गई तो ज़ीरो मुनाफा, और बल्कि कर्जे में जो है किसान चला जाता है. और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस तो होती हैं, तो रिस्क बहुत है प्लस फ़ायदा कम है. तो इसलिए यहाँ पे अब जो है लोग ज़्यादा सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, कि भाई पूरा महीना काम किया तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द सोशल प्रोसेस बाय विच सिटीज़ ग्रोज एंड सोसाइटीज़ बिकम मोर अर्बन, राइट. और फैसिलिटीज भी साथ में आती हैं, राइट. अब कॉजेज यहाँ पे अर्बनाइजेशन के क्या हैं? पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, की इंडस्ट्री सेटअप होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइट. सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन. देखिए, चीज़ें मॉडर्न हो रही हैं. आज के टाइम में हमें अच्छी बेटरमेंट, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए अपनी लाइफ में, राइट. तो हमें क्या क्या चाहिए? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आसपास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ चाहिए. तो इन दैट, उसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन हो रहा है. रूरल टू अर्बन में बेसिकली लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं. आपने देखिए, शहरों में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बच्चों की पढ़ाई के लिए आ जाते हैं, कि भाई हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, इसलिए हम अपने गाँव से यहाँ आए हैं, या हम टाउन्स में अभी सिटीज़ में इसलिए रह रहे हैं कि भाई एक बार बच्चे की जो है एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम वापस चले जाएंगे, राइट. सो दैट इज़ द केस, दैट इज़ द कॉज. थर्ड इज़ कमर्शियलाइजेशन. देखिए, मॉडर्न आज के ज़माने में ट्रेड और कॉमर्स जो है उसने अर्बनाइजेशन में बहुत तेज़ी से जो है रिजल्ट किया है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड मतलब बेटरमेंट कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाई रिटर्न्स, राइट. इसको बेसिकली ये लेकर ही जा रहा है किसकी तरफ? अर्बनाइजेशन की तरफ, जब चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है. इसमें देखिए, MNCs का सेटअप आप देख सकते हैं. NCR में कितनी सारी जो हैं दिल्ली के आसपास MNCs सेटअप है, ऐसे ही बैंगलोर में कितनी सारी MNCs सेटअप है. तो ये लोगों को लाइक अट्रैक्ट करती हैं, राइट. वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, राइट. सो दैट इज़ द थिंग. फोर्थ इज सोशल बेनिफिट्स. सोशल बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं. जैसे कि आप एक गांव से एक सिटी का ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वही आप देख लीजिए, तो आपको अलग अलग आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली आपको शहरों में मिल जाएगी. ऊबर, ओला जैसी कैब्स की फैसिलिटी, प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस की फ्रीक्वेंट फैसिलिटी जितनी अच्छी शहरों में है उतनी अच्छी गाँव में नहीं है, राइट. सो ये एक कॉज हो गया. हेल्थ केयर, लोगों का सोशल स्टेटस अच्छा हो जाता है. आपको यहाँ पे मॉल, पार्क, ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. साथ में देखिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, राइट, जो आपको गांव वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे. तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ अच्छा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका यहाँ पे हो जाएगा, रूरल एरिया में नहीं होने वाला है, राइट. फिफ्थ इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये तो बहुत बेसिक कॉज है. देखिए, वही एग्रीकल्चर पे आज के टाइम में लोग नहीं डेवलप होना चाहते हैं, बिकॉज मोर हार्ड वर्क बट लेस प्रॉफिट, राइट. सो लोग जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉय होना चाहते हैं, जो बेसिकली जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ टाउन्स वगैरह में सेटअप होती है, तो वहाँ जनरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, वहाँ एजुकेशन
एजुकेशन भी होगी, हेल्थ भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, एट्सेट्रा होगा। तो इस तरीके से सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, आसपास भी जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और इसी कारण जो है लोग क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं, स्पेशली टफ टाइम्स में। लेट सपोज किसी गाँव में कोई आपदा आ गई, राइट, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कैलेमिटी आ गई, जैसे फ्लड, ड्रॉट, तो वो लोग अपनी लाइवलीहुड की सर्च में जनरली इन्हीं एरियाज़ को टारगेट करते हैं और यहाँ पे मूव हो जाते हैं, राइट। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स यहाँ पे अर्बनाइजेशन का, पहला है एफिशिएंसी। अर्बन एरियाज़ आर मोर एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज देन रूरल एरियाज़, जैसे कि क्लीन वाटर, अच्छे हाउस, मॉडर्न हाउस, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आपको यहाँ अच्छे से मिलेगी कमिंग टू टाउन सिटीज़, राइट। गांव में आपने सुना होगा या खुद भी देखा होगा अगर आप गए हैं तो, कि वहाँ पे जो बिजली है वो उतनी नहीं आती है, फ्रीक्वेंट लाइक पावर कट होता है, पूरे दिन में 2-3 घंटे आती है या 4-4, 5-5 घंटे नहीं आती है। तो इस तरीके से जो है पावर कट होता है अलग अलग गाँव में अलग अलग हिसाब से। एक्सेसिबिलिटीज़ की बात करें तो देखिए, शहरों में मतलब इजीली आपको चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, हेल्थ की, मेडिकल की एंड सो ऑन, राइट। तो उसमें ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहली एजुकेशन फैसिलिटीज़, बी हेल्थ केयर, सी बेटर एम्प्लॉयमेंट, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट है बेटर सोशल अमालगमेशन। देखिए, अर्बनाइजेशन यहाँ पे प्रमोट करता है कल्चर और सोशल फ्यूजन में, जैसा कि हमने ऊपर भी एग्जांपल डिस्कस किया कि दिल्ली के अंदर डाइवर्स लोग रहते हैं, हर जगह से आपको लोग देखने को मिलेंगे, तो इससे हम उनके बीच सोशलाइज भी होते हैं। तो आपने देखा होगा, आप खाना जो खाते हो या कपड़े जो पहनते हो, आप हर जगह के इंजॉय करते हो, राइट। लेट सपोज कोई पंजाबी फेस्टिवल है तो हमने पंजाबी कपड़े पहन लिए, कोई गुजराती फेस्टिवल लाइक हम डांडिया में जा रहे हैं किसी फंक्शन में तो वहां पे हम घाघरा चोली पहन लेते हैं, कमिंग टू द बॉयज दे विल वेयर देयर एथनिक, गुजराती एथनिक। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्यूजन है, मतलब मिक्स हो रहे हैं लोग, राइट। अब यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स या सोशल बैरियर्स जो थे वो रिमूव हो रहे हैं, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, देखिए कोई भी चीज़ फायदे लेकर आती है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर होते हैं। पहला है यहाँ पे ओवर क्राउडिंग, देखिए भीड़ बहुत हो गई है, राइट, एक ही जगह पे एक्सट्रीम लेवल भीड़ हो गई है। आप जैसे मुंबई में देखोगे, मुंबई इज़ वेरी फेमस कि भैया यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। 2 BHK भी आप लेने जाओगे तो करोड़ों में आपको मिलेगा मेन सिटी में, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें भी महंगी मिलेंगी, राइट। ओके, ट्रैफिक, ट्रैफिक का ओवर क्राउडिंग ही देखिए एक कॉज है, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, जैसे हमने मुंबई का एग्जांपल डिस्कस किया, ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट पे भी शेयरिंग पे रहते हैं, राइट। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली आएगी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टू, अगर आप शहरों पे भी शिफ्ट होते हो वहाँ पे भी कम है, या एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है, आपको एम्प्लॉय मिल जाती है बट आपके काम के अनुसार फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बिकॉज आपकी पोजिशन अगर आप छोड़ते हो तो उनको 10 लोग हैं जो और बैठे हैं उसी सैलरी पर काम करने में, राइट। फोर्थ इज इंक्रीज इन स्लम एरियाज, जैसे कि बहुत फेमस मुंबई में एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, राइट, क्योंकि जितनी देखिए आबादी बढ़ेगी उतना स्लम एरियाज भी बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ लोग उसमें से पढ़े लिखे नहीं भी होंगे जो शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, या बहुत पुअर फैमिली से भी होंगे तो उनका क्या, तो दे हैव टू सर्वाइव इन सच एरियाज, राइट। फिफ्थ इज इंक्रीज इन ट्रैफिक, यहाँ पे देखिए ट्रैफिक जो है वो भी लाइक इंक्रीज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक की ही बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ द थिंग, कंजेस्टेड एरियाज रहेंगे, जैसे कि मुंबई में अगर लोग ट्रैफिक में फंसते हैं तो यू नो, उनसे अगर आपने कोई इंटरव्यूज़ वगैरह सेलिब्रिटीज़ के देखे हुए हैं जो लोग मुंबई में रहते हैं, घंटों फंसे रहते हैं वो ट्रैफिक में कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली का भी यही हाल है, स्पेशली इन रेनी सीजन्स दिस कैन बी सीन, राइट, बिकॉज कंजस्टेड है, ओवर पॉपुलेटेड है, राइट। नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जैसे कि दिल्ली में दिवाली के बाद देखा गया है
हमेशा क्या हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पॉल्यूशन हो जाता है, मास्क इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं स्कूल की, एंड स्मोक टावर्स जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाए हैं. वाई? बिकॉज इतने लोग एक जगह पे रहेंगे तो पॉल्यूशन तो होगा ही ना. वो एयर एक ही एयर शेयर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं सबकी अलग अलग है, राइट? उस एयर में ही सब लाइक रहेंगे, जैसे कि दिवाली पे पटाखे फोड़ना, राइट? उसके बाद हम कितना पॉल्यूशन देखते हैं. वाटर, वाटर उतना अच्छा हमें नहीं मिल पाएगा, या वाटर की कमी भी टाइम टू टाइम हो सकती है, राइट? वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे कि यमुना नदी इज द एग्जाम्पल फॉर दिस, राइट? विच इज़ इन दिल्ली, पास बाय द दिल्ली बेसिकली. एंड इसी तरीके से बाकी पॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे, राइट? सो अर्बनाइजेशन यहाँ पे लीड करता है इन इंक्रीज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, राइट? लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हजार्डस डिजीजेस, हिंड्रेस डेवलपमेंट, इंक्रीज इन मॉरालिटी रेट. अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से लाइन वाइज या फ्लो चार्ट बना दें. नेक्स्ट यहाँ पे है इफेक्ट्स क्या है अर्बनाइजेशन के, तो वो है लैक ऑफ हाउसिंग एंड ओपन एरियाज ऑफ लैंड. आप जनरली देखोगे तो उतने ओपन एरियाज आपको नहीं मिलेंगे, गलियों में घर मिलेंगे. द रीज़न बिहाइंड दैट इज नो वेंटिलेशन इन द होम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउडनेस, कि ओवर पॉपुलेटेड हैं, राइट? लैक ऑफ सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, क्राइम ज़्यादा होगा, अर्बन हीट. नाउ कमिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंग ह्यूमंस, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है, दैट इज़ लैक ऑफ वेंटिलेशन. एंड कमिंग टू द पॉल्यूशन, उसी का ही तो कॉज है. फायर हजार्डियस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लॉस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल वो इंडिया के अंदर हो रहा है. आने वाले सालों में मे बी हम एग्रीकल्चर के लिए और देशों पे डिपेंड हो जाए. देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जंगल वगैरह बिल्कुल देखने को अब नहीं मिलते हैं. देन नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी एंड एबनॉर्मल बर्थ्स होंगे बिकॉज पॉल्यूशन है. तो देखिए ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट अपने आप आएंगी, राइट? सब साइंटिफिक लॉजिक्स यहाँ पर हैं. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. सो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक अर्बनाइजेशन का. मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. इजी टॉपिक है, जस्ट यू हैव टू पिक अप सम गुड वर्ड्स एंड राइट. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली बताएं. थैंक यू.